गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी डू द चैप्टर नेक्स्ट, दैट इज आफ्टर फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल. दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर अबाउट पॉलिनोमियल. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है? देखो, पॉलिनोमियल होता क्या है, एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल से बना होता है. ठीक है, जैसे यहां मैंने लिखा ए एन एक्स पार एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पार एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, सबस्क्रिप्ट है ये, एक्स पार एन माइनस टू प्लस गोइंग ऑन अप टू ए वन एक्स प्लस ए जीरो या ए नॉट. तो एक तरह का ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जो प्लस में है. और इसमें क्या है, ए एन, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू अप टू ए वन, जो भी है ये, और ए नॉट, ये सारे क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट्स हैं. और ये क्या है, एक्स पार एन माइनस वन, एक्स पार एन माइनस टू, एक्स पार वन, यहाँ पे एक्स पार जीरो लिख लो चाहे, ठीक है. ये सारे आपके पास क्या है, वेरिएबल्स हैं. वेरिएबल्स क्या है, मतलब वेरिएबल है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो हम वेरिएबल्स नहीं, वेरिएबल बोलेंगे. ठीक है, तो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पे ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और ए एन आपका नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और एक्स यहाँ पे क्या है, आपका वेरिएबल है. अब चलो, ये तो आपको पता होगा वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, और हमारे पास क्या है, जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू वेरी करती है. ठीक है, जैसे टू हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, और एक्स वाई जेड ये क्या हो गया, हमारे पास वेरिएबल्स हो गए. तो इस तरह का ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसको मैंने क्या कह दिया, ये पॉलिनोमियल है. ठीक, अब है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, हैविंग ओनली वन टर्म, जो आप एट क्लास में कर चुके हैं, थोड़ा मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ. हैविंग ओनली वन टर्म क्या होता है, मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो. टर्म तो पता ही है क्या होता है. ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कोई भी सिंगल टर्म, तो मैं उसको क्या लिखूंगी, वन टर्म, वन टर्म यानी कि मोनोमियल. टू टर्म्स बाइनोमियल हो गया, जिसमें टू टर्म्स होती हैं ऐसा पॉलिनोमियल उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल. जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल. ये सारा पुरानी क्लास के हिसाब से, एट क्लास के हिसाब से अच्छे से पता है आपको. वन टर्म होता है मोनोमियल, टू टर्म्स होता है बाइनोमियल, और थ्री टर्म्स क्या होता है, ट्राइनोमियल. जैसे देखो यहाँ पे 7x क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x. ठीक, तो x की पार यहाँ पे क्या है, 1, दैट इज वाई इट इज लीनियर पॉलिनोमियल. जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है. उसके बाद जैसे नेक्स्ट है 7x प्लस 2, ऐसे भी लिख सकते हो 7x प्लस 2 इंटू एक्स पार 0, क्योंकि समथिंग पावर 0 क्या होता है, 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसमें क्या है, यहाँ भी हाइएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये भी क्या हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल. अब जैसे अगला एग्जांपल लिखा है मैंने, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x है यहाँ पे. एक्चुअल में ये था 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस सॉरी 1, दोबारा रिपीट करूँ, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था. ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स पार 1 प्लस 1 इंटू एक्स पार 0, क्योंकि समथिंग पावर 0, 1. अब इसमें भी देखो, जो वेरिएबल है x है, और उसकी हाइएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2. तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 2. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट है 7x पार 3 प्लस 2 इंटू एक्स पार 2 प्लस एक्स पार 1 प्लस 1, 1 के साथ आप ये भी लगा सकते हैं. अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब x की पावर क्या है, हाईएस्ट यहाँ पे 3 है. हमेशा पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री हाईएस्ट लोएस्ट चलती है, 3, 2, 1, 0. ठीक है, तो ये डिग्री 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो पावर 3 है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या हुई, 3 हुई. तो इसको, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. आगे है 7x पार 4 प्लस 4 इंटू एक्स पार 3 प्लस 2 इंटू एक्स पार 2 प्लस एक्स प्लस 1. तो यहाँ भी क्या है, हाईएस्ट पावर x की क्या है, 4 है. तो इसमें क्या है, इस पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पार क्या है, इस एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पार क्या है, 4 है. ठीक, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो उसके बाद है हमारे पास 2, ठीक है, सिंगल 2, कॉन्स्टेंट. तो हम इसको बोलेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स पावर 0 क्या है, 1. ठीक, तो ये क्या हो गया, 2 इंटू एक्स पावर 0, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट है, x की पावर 0, तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया. इसकी डिग्री हम क्या बोलेंगे, 0. अब इस एक्सप्रेशन में अगर, जो मैंने बताया है, अगर हम इसमें a0, a1, a2, an सबको 0 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि सब कुछ 0, 0 इंटू एक्स पावर n, 0 इंटू एक्स पावर n माइनस 1.
और हमेशा ध्यान रखना जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, नॉट इफ। क्लियर है? अब है कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मैंने कर दी है सॉल्व, कुछ आप अपने आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन। जैसे 4x² - 3x + 7 है, देखो इसमें वेरिएबल एक ही है एक्स, और पावर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया था, ए नॉट एक्स पार एन है, ए वन जो भी है, मतलब ए एन एक्स एन में है, प्लस ए एन माइनस वन एक्स पार एन माइनस, स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हमेशा जो एन है, जो एक्स की पार है, हमेशा क्या होनी चाहिए आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, सो यस इट इज इन वन वेरिएबल। जैसे नेक्स्ट है 3√t + t√2, यहाँ पे वेरिएबल टी है पर रूट टी है, रूट टी का मतलब क्या होता है, टी पावर हाफ, तो ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर का ये इंटीजर ही नहीं है, सो दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉजिटिव नंबर तो है वो, पर वो क्या है, इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। उसके बाद है y + 2/y। अब ये क्या, नीचे पॉजिटिव है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, पिछले चैप्टर में y + 2 × y·1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव पावर क्या है, पॉलिनोमियल में होती नहीं, तो नॉट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है x·10 + y·3 + t·15। ये क्या है, वन वेरिएबल है ही नहीं, तो बात खत्म, थ्री वेरिएबल है, तो इसने क्या पूछा था, विच आर इन वन वेरिएबल, तो ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में इसने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ x² फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने लिखती 2 − x² + x³ है, कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसका कोफिशिएंट उसने पूछा है उसके साथ वाली टर्म क्या है। जैसे 7x है, इसमें x के साथ क्या है, 7, जो न्यूमरल वैल्यू है वही उसका कोफिशिएंट बनेगा, किसका, x का। सेम एज अब इसमें इसने क्या पूछा, x² का, तो x² क्या है, यहाँ पे यहाँ माइनस लगा है, कुछ भी नहीं है, तो -1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, -1। ऐसे ही √2x − 1 है अगला एक्सप्रेशन, इसमें x² वाली टर्म ही नहीं है, जब x² वाली टर्म नहीं है तो कोफिशिएंट कहां से होगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 का मतलब है कि, बायनोमियल का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स हो, और डिग्री 35 का मतलब है हाईएस्ट डिग्री का हो 35, तो कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया x·35 + 2, क्योंकि यहां डिग्री क्या है, पावर क्या है एक्स की, 35, और यहाँ क्या है हमारे पास, 0, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई हमारे पास, 35, तो ये बायनोमियल हो गया डिग्री 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वही होता है जो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे 5t − √7 है। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, टी, उसकी पावर क्या है, 1, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इट मीन्स दैट इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, 1, बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है, 1। आगे है 4 − y², 4 में y नहीं है, y की पावर यहाँ पे क्या है, 2, मतलब वेरिएबल की पावर क्या है, 2, यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो इसकी भी क्या हुई, हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री भी क्या हुई, 2। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट है x² + x, यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे क्या है, 2, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हुई, 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट है y + y²+4 है, यहाँ y पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे है ही नहीं, तो पावर क्या हुई, 2, सबसे बड़ी हो गई, तो डिग्री भी क्या हुई, 2, और जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अब 3t है, t की पावर यहाँ पे क्या है, 1, तो हाईएस्ट पावर भी क्या हुई, 1, तो डिग्री भी क्या हुई, 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल की जीरो कौन से क्या होता है, जैसे हमने कोई भी पॉलिनोमियल लेट कर लिया px, यहाँ x के प्लेस पे हम जो वैल्यू पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल के अंदर, और उससे उसका अगर आंसर जीरो आ जाए तो हम उसको उसका जीरो बोलते हैं। जैसे पी नंबर सी वी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ c इज जीरो, मतलब c पुट करने से उसका आंसर जीरो आ गया, तो वो जीरो बन गया। क्वेश्चन से देखो, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चन जीरो वाले भी आएंगे। फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5x − 4x² + 3 एट x = 0, मतलब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x = 0 पे, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लिया, जीरो पे फाइंड करना है, तो हर जगह जहां भी x है वहां जीरो पुट कर दो, यहां x था जीरो पुट कर दिया, यहां x·2 था, यहां 0² बन गया, बाकी सेम। अब इसको सॉल्व करना है तो 5 × 0 एज इट इज, −4, 0² है, तो 0 को दो बार लिख दिया, 4 × 0 × 0 + 3,
फाइव इंटू जीरो क्या होता है जीरो, फोर इंटू जीरो क्या होता है जीरो, प्लस थ्री एज इट इज, तो जीरो प्लस थ्री क्या हो गया थ्री, तो इसका आंसर कितना आया थ्री। ठीक है, नेक्स्ट है एट एक्स इक्वल टू पे फाइंड करना है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां टू पुट कर देंगे, फाइव इंटू टू माइनस फोर इंटू टू स्क्वायर प्लस थ्री, फाइव इंटू टू टेन, फोर टू स्क्वायर क्या हो गया फोर, चाहे आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं फोर इंटू टू इंटू टू इस चीज को, तो फोर इंटू फोर ही बना प्लस थ्री, टेन एज इट इज, फोर इंटू फोर क्या होता है सिक्सटीन प्लस थ्री, अब टेन में से सिक्सटीन गए सिक्स, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आ गया, प्लस थ्री माइनस प्लस माइनस, माइनस सिक्स में थ्री गए माइनस थ्री, क्योंकि बड़ा कौन है माइनस वाला, तो आंसर आ गया माइनस थ्री। अब देखो टू पुट करने पे आंसर माइनस थ्री आया है, जीरो तो नहीं आया ना, तो टू को हम इसकी जीरो नहीं बोल सकते, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा था इसकी वैल्यू एट एक्स इजिकल टू जीरो पे और एक्स इजिकल टू पे और एक्स इजिकल टू वन पे भी, वन वाली आप खुद सॉल्व करेंगे। आगे है फाइंड द वैल्यू पी जीरो पी वन पी ऑफ टू फॉर ईच, कुछ लिए हैं मैंने एक्सप्रेशन, पी ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब। अब हमने एक क्वेश्चन के लिए तीनों वैल्यूज निकालनी है, पहले पी जीरो निकालना है मतलब एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करना है, जीरो पावर समथिंग, अब पी वन निकालना है तो एक्स की जगह वन पुट कर दिया, वन पावर कुछ भी करो वन आएगा, अब पी टू निकालना है तो एक्स की जगह टू पुट कर दिया, टू पावर थ्री का मतलब टू को थ्री टाइम्स लिख दो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, तो कितना आ गया एट। एक और क्वेश्चन सोल्व किया मैंने ऐसा, पी ऑफ एक्स क्या है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन है, ये मल्टीप्लाई में माने जाते हैं, अब पी जीरो निकालना है तो जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन, जीरो माइनस वन क्या होता है माइनस वन, क्योंकि जीरो में से माइनस वन, जीरो में से वन माइनस करेंगे तो यही आएगा, इंटू जीरो प्लस वन क्या होता है वन, अब माइनस वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस वन, अब पी वन निकालना है तो एक्स की जगह वन पुट कर दो, वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, वन में वन गए जीरो, वन प्लस वन क्या हो गया टू, जीरो को टू से मल्टीप्लाई करो, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर जीरो ही आता है। आगे पी ऑफ टू, टू माइनस वन टू प्लस वन, जहां जहां एक्स है वहां वहां टू पुट कर दिया, टू माइनस वन करेंगे वन, टू प्लस वन करेंगे थ्री, थ्री इंटू वन क्या होता है थ्री। ठीक है, तो पी ऑफ टू की वैल्यू क्या आ गई थ्री। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, हमें प्रूव करना है, सॉरी वेरीफाई करना है कि जो साथ में नंबर दिया हुआ है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है वो उसका जीरो है कि नहीं। जीरो का मतलब मैं पहले ही समझा चुकी हूँ कि वो नंबर एक्स के प्लेस पे अगर हम पुट करें तो आंसर जीरो आना चाहिए। तो यहाँ क्या है माइनस वन बाय थ्री, एक्स के प्लेस में माइनस वन बाय थ्री पुट करेंगे तो क्या आएगा थ्री इंटू माइनस वन बाय थ्री प्लस वन, सेम बार बार कह रही हूँ एक्स की वैल्यू ही सिर्फ चेंज होगी, अब थ्री से थ्री कैंसिल तो क्या रह गया माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन क्या हुआ जीरो, तो ये वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया इसका जीरो हो गया। फिर है पी ऑफ एक्स क्या है फाइव एक्स माइनस पाई, क्या पुट करना है एक्स इजिकल टू फोर बाय फाइव, तो एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया फोर बाय फाइव, फाइव से फाइव कैंसिल, फोर एज इट इज, पाई भी एज इट इज, अब ये जीरो तो नहीं बना तो इसका मतलब ये वैल्यू इस पॉलीनोमियल की जीरो नहीं है। आगे है हमारे पास पी ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज दी हुई है वन और माइनस वन, दोनों को पुट करके देखना है कि इसकी वो जीरो बनी है कि नहीं बनी। पहले मैंने एक्स को क्या पुट किया वन पुट किया, जब हम वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर माइनस वन आएगा, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, वन स्क्वायर इजिकल टू वन इंटू वन यानी वन आ गया, ये वन एज इट इज, वन में से वन गए जीरो यानी ये जीरो है। ठीक इसी तरह माइनस वन पुट करेंगे माइनस वन पावर स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस वन पावर स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन यानी कि पॉजिटिव वन, दो बार माइनस आ गया तो प्लस, तीन बार आए तो नेगेटिव, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस हो तो नेगेटिव आएगा और सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस हो तो पॉजिटिव आएगा और ऑड नंबर ऑफ माइनस हो तो माइनस आएगा, अब यहां माइनस दो बार है तो प्लस हो गया, वन माइनस वन कितना आ गया जीरो, तो ये क्या हो गया जीरो यानी इस पॉलीनोमियल की दोनों जीरो हैं ये। अगला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है माइनस वन बाय रूट थ्री और टू बाय रूट थ्री, पहले मैंने माइनस वन बाय रूट थ्री पुट किया, अब देखो ये क्या है जब माइनस वन बाय रूट थ्री को पुट करेंगे हम दो बार लिखेंगे ऐसे, ठीक तो थ्री इंटू वन इंटू वन थ्री ही आएगा, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा थ्री, तो थ्री से थ्री कट हो गया वन, वन माइनस वन जीरो यानी ये इसकी जीरो है। फिर दूसरा है टू बाय रूट थ्री, एक्स के प्लेस पे क्या पुट किया टू बाई रूट थ्री, स्केयर है तो दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री टू जा सिक्स या यूं बोल दो थ्री इंटू फोर, टू टू जा फोर
ठीक है, नीचे क्या है रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री बन जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था रूट ए इंटू रूट के ए क्या होता है ए, थ्री से थ्री कैंसिल, क्या रह गया फोर, फोर माइनस वन थ्री आ गया। अब ये वैल्यू पुट करने पे आंसर जीरो नहीं आया, इट मीन्स दैट ये जीरोज नहीं है पॉलीनोमियल, यही है सिर्फ। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके अगले एक्सरसाइज की शुरू कर दी थी मैंने, मतलब 2.1 और 2.2 दोनों डिस्कस हो गई हैं आज। इसमें क्या है जीरोज फाइंड करनी है, जब भी हमें किसी पॉलीनोमियल को जीरो फाइंड करनी हो तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिसमें हम वेरिएबल की जगह पे पुट करें या एक्स की जगह पे पुट करें, अगर एक्स में है वेरिएबल, एक्स में है पॉलीनोमियल, तो उसका पूरा आंसर जीरो आ जाना चाहिए। अब यहाँ पी ऑफ एक्स है क्या, एक्स प्लस फाइव, मतलब एक्स की जगह पे ऐसा नंबर पुट करना है जिससे जीरो बन जाए सारा आंसर। तो इसको सोचने की बजाय आप क्या करो, इसको जो आपके पास क्वेश्चन है जीरो के इक्वल रख दो। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आता ही है, यहाँ प्लस फाइव है तो उधर जाके क्या हो गया माइनस फाइव, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव या माइनस फाइव क्या है इस पॉलीनोमियल की जीरो है, तो ये हो गया आपका आंसर। फिर है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, याद रखना जीरो फाइंड करनी है तो इक्वल टू जीरो रखते हैं, जब जीरो प्रूव करना है तो जीरो आना चाहिए आंसर। अब थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये थ्री यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो गया, तो जीरो बाय थ्री क्या हो गया जीरो, यानी इस पॉलीनोमियल की जीरो कौन है जीरो है। ऐसे ही पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी को जीरो के इक्वल रखेंगे, सी एक्स ये डी प्लस में उधर जाके माइनस में हो गया, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये सी मल्टीप्लाई में है तो ये यहां के डिवाइड में हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस डी अपॉन सी, ये तो पता ही है ना प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, वही फंडामेंटल यूज करके मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली माइनस डी अपॉन सी, यानी इस पॉलीनोमियल की जीरो क्या है माइनस डी अपॉन सी। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू ऑल।